पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में अपनी टीम पर हमले के अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राशन घोटाले के सिलसिले में बोगांव नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया। आद्या की गिरफ्तारी शनिवार सुबह सुबह कर ली गई। हालांकि आद्या की गिरफ्तारी के दौरान भी उनके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों के वाहनों पर पथराव किया। ईडी के साथ चली सीआरपीएफ की टीम को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। यह ईडी की टीम पर पिछले 24 घंटे में दूसरा अटैक था। बंगाल के राशन मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम पर नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में उस समय हमला हुआ था जब वे शंकर आद्या और टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने गए थे। ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में शेख के समर्थकों ने हमला बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मीडिया कर्मियों के फोन तक छीन लिए गए। घटना में कई ईडी अधिकारी जख्मी हो गए। हालात ये हो गए कि ईडी के अधिकारियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। बीजेपी ने हमले में रोहिंग्या घुसपैठियों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से एनआईए जांच की मांग की है। तो उधर कांग्रेस ने कहा है कि राज्य के हालात राष्ट्रपति शासन के लिए मुफीद हैं। भारतीय संविधान द्वारा कोई संस्था, एम्पावर्ड कोई संस्था अगर अपना काम करते हुए ऐसी हमलाओं की शिकार हो, ऐसा लग रहा है कि हम पश्चिम बंगाल में नहीं, शायद बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है। ऐसा स्थिति कुछ जगह पे तैयार किया गया है तृणमूल कांग्रेस लीडरों के द्वारा, और तृणमूल कांग्रेस के जो मंत्री है जो संविधान के ऊपर ओथ लेते हैं वो इनडायरेक्टली इसे सपोर्ट कर रहे, एनकरेज कर रहे ऐसे घटना घटाने के लिए। इतने युक्तियुक्त और कमेंट्स की होते रहे। पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति एकदम लचर है। जिस तरह यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला हमें देखने को मिला है, मैं ये कह सकता हूँ कि बंगाल राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एकदम फिट केस है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना उपयुक्त होगा। ईडी की टीम पर हमले के बाद बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। शाहजहां शेख को टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। एजेंसी ने फैसला किया है कि वो राज्य में अपने अधिकारियों और कार्यालयों की सुरक्षा को मजबूत करने की मांग करेगी। साथ ही एजेंसी खुद पर हुए हमले के मामले में FIR भी दर्ज कराएगी। ईडी ने पूरे मामले की जानकारी एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेज दी है। इधर मामले में टीएमसी उल्टे ईडी पर ही आरोप मढ़ रही है। पार्टी नेता प्रदीप मजूमदार ने एक विवादित बयान में कहा है कि अगर आप रात में गुंडागर्दी करने जाओगे तो आपको सुरक्षित रहना होगा। वहीं बीजेपी इस मामले में पूरे इंडिया गठबंधन को घेर रही है। देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। The actual dictators are sitting in Delhi, and Mr. Giriraj Singh, you are the representative of this dictator government of India. Mr. Narendra Modi run government, BJP run government, they are throttling the voice of opposition. They have brutally ruined the parliamentary democracy. एक भी भ्रष्टाचार का केस झूठा नहीं है। सैकड़ों करोड़ की रिकवरी हो रही है, फिर भी देखिए बेशर्मी कि जांच करने आओगे तो हम उन पर हमला करेंगे जानलेवा। इससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात हो सकती है? यह है बड़े सवाल। तो हमारे मोदी जी भी उतने ही सख्त हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। ईडी बीते कई महीनों से राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में जांच कर रही है। कुछ दिनों पहले ही जांच एजेंसी ने दावा किया था कि बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लगभग 30% बाजार में बेच दिया गया। राशन बेचने से मिले पैसे को मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों के बीच बांट दिया गया। चुनाव आज तक।